हाँ, इस वक्त जो ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस हैं उनके केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और इवन इसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी हो रहा है, जिसके कारण अब आगरा में देखने को आ रहा है कि लोग हेलमेट काफ़ी पहन रहे हैं। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं। तीन सवारियों का भी अब चलना कम हो गया है, लोगों ने सीट बेल्ट पहनना भी स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि ट्रैफिक पुलिस और जो जनपदीय पुलिस है ये काफ़ी सख्त तरीके से वो चेकिंग भी कर रहे हैं, और जो सारे चालान हैं वो ई चालान के रूप से हो रहे हैं। तो ई चालान के माध्यम से जो भी अब चालान हो रहे हैं, तो इसमें कोई वाहन चालक है या कोई वाहन है उसका पिछला ब्यौरा भी हमारे पास होता है। अगर उसका पूर्व में 3 से अधिक बार उसका चालान हो चुका है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंसेस भी उसके कैंसिल हो सकते हैं। तो इस कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अब जो लोग हैं काफ़ी यातायात नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो यमुना एक्सप्रेसवे है और लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इस पर भी हमारे ट्रैफिक के कर्मचारी जा रहे हैं और रोज़ वहाँ पे हम चालान कर रहे हैं। पिछले 2 महीने के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सिर्फ जो आगरा के अंतर्गत जो क्षेत्र है 2404 हम लोगों ने अब तक चालान कर दिए हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी जो स्पीड वायलेशन के केसेस थे वो काफ़ी कम हुए हैं, और इसके साथ ही एक्सीडेंट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ जा रही है और जो एक्सप्रेसवे के जो लोग हैं उनकी भी वहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है, तो इसके कारण जो एक्सप्रेसवे पे होने वाले एक्सीडेंट हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी कमी आई है।